नमस्कार जी सभी को। नमस्ते नमस्ते मैम, गुड मैम। मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सभी नमस्कार को मैम। सभी को एक बार में ही नमस्ते। तो प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए और अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आज का विषय भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो महिलाएं मीटिंग में आएंगी उन्हीं को ही उसका लाभ मिलेगा। मैं एक बार ये भी आपको बता रही हूँ कि जो महिलाएं मीटिंग में आती हैं, सुनती हैं, चीजों को समझती हैं, तो व्हाट्सएप पे उन्हीं को ही उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। क्या होता है, आप लोग मीटिंग में तो आते नहीं हो, सीखते नहीं हो, फिर व्हाट्सएप पे पूछते हो कि दीदी इसका क्या इलाज किया जाए, है ना। तो अगर कुछ चीजें आप खुद समझ लोगे मीटिंग में आके, तो फिर आपका भी काम आसान हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो चीजें हम बता रहे हैं हेलो, उसका नमस्कार जी। एकमात्र जी। नमस्कार, बीच में मत बोला करो, ऐसे लिख के कर दिया करो, ठीक है। सभी की स्वीकार हो जाती है नमस्कार, ठीक है। तो एकमात्र उद्देश्य ये है कि कम से कम 100 ऐसी बहनें तैयार हो जाए जैसे हम बता रहे हैं। तो आप अगर 100 ऐसी तैयार हो गई जो खुद से बता सके, ठीक है, खुद अपने आसपास की महिलाओं को जागरूक कर सके, तो हमारा काम कितना आसान होगा। मैं 100 महिलाओं को जागरूक कर सकती हूँ, तो 100 महिलाएं मिलके कितनी महिलाओं को जागरूक कर सकती है, आप ये बताइए। क्योंकि ये मिशन छोटा नहीं है। अगर आप इसको छोटा मानते हो तो छोटा है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा मिशन मानती हूँ कि हर एक महिला तक हम पहुंच सके। अभी देखो करोड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, तो हर एक महिला तक मैं अकेली नहीं पहुंच सकती। उसके लिए आप सभी का जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मीटिंग में इतने अच्छे अच्छे और नए नए विषय ले जाते हैं जिसका आप सब लाभ उठा सको। तो जैसे कल की मीटिंग का जो टॉपिक था वो था कि पीरियड के दौरान हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उसके विषय पे कल बात हुई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि आप अपने योनि की, अपने गर्भाशय की आप साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। उसकी साफ सफाई करने के जैसे अगर उनकी डेली आप साफ सफाई करते हो, उसकी तरफ ध्यान जाता है आपका, तो आप गर्भाशय की बीमारियों से बच सकते हो। देखो हमारा शरीर, मैंने कई बार आपको बताया कि हमारा शरीर एक मशीन है, ठीक है, इससे हम काम लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कचरा जमा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम गाड़ी ले रहे हैं उसकी हम साफ सफाई करवाते हैं, उसका भी एक मतलब लक्ष्य होता है कि भी इतने किलोमीटर चलने के बाद इसकी आपने क्या सर्विस करानी है, तो वो कराते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो गाड़ी भी धीरे धीरे जवाब देना मत जवाब दे देगी, वो नहीं चलेगी। वही आपका शरीर होता है, इसकी भी अगर आप रोजमर्रा की जैसे प्रतिदिन इसकी सफाई करते रहे तो ये भी आपको आप कोई बीमारी नहीं होगी, और ये भी आपको मतलब अच्छे से आपका शरीर चलता रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं होगी। तो जैसे हम पीरियड में होते हैं मान लीजिए, तो 15 दिन, जैसे आज मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ, अरे तो उसके 14 दिन तक या 15 ही लगाओ, क्योंकि 28 दिन का जो सर्कल होता है हमारा, उसमें 14 दिन आपकी बच्चेदानी का खुला रहता है, आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, और 14 दिन वो बंद रहता है। तो जैसे 5 दिन हमारे पीरियड के होते हैं, तो उसमें जैसे आपको बताया था कि अच्छा यूज करना है, उसमें पाचक मतलब जो अच्छे से पच जाए वो खाना है, उस दौरान भारी काम नहीं करना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, हाँ गर्म चीजें ही खानी है, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है। तो जो भी बातें कल बताई थी वो आपने खुद भी फॉलो करनी है और अपने आसपास की महिलाओं को भी बताना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे 5 दिन का हमारा पीरियड टाइम हो गया,
अब हम आगे क्या करें, ठीक है, उसकी शुद्धि के लिए आज मैं आपको बेसिक बताऊंगी और कल हम इसकी पूरी विधि भी बताएंगे। बेसिक में आप क्या कर सकते हो, तो उसके बाद जैसे 5 दिन हो गए हमने कहते हैं सिर धो लिया, ठीक है, 5 दिन के बाद सिर धो लिया, शुद्ध हो गए, तो उसके बाद हमें क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 दिन या 4 दिन, 4 दिन लगा लो, 4 दिन हमें फिटकड़ी के पानी का खोआ लगा लो या फिर मलमल का कपड़ा, ठीक है, मलमल का कपड़ा ही इसमें यूज करना होता है। आज मैंने रखा भी है, ये मलमल का कपड़ा होता है बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल पतला सा होता है, देखो ये, और बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये वाला कपड़ा आपने लेना। और ये कितना लेना है, इसमें लगभग आप ये लगाओ कि 3 इंच, इस 3-4 इंच इसकी चौड़ाई और लगभग 15 से 20 इंच की इसकी लंबाई, ठीक है, इतना बड़ा होना चाहिए ये, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा वैसे क्योंकि बहुत पतला और बहुत मुलायम होता है। तो इसको आपने क्या करना है कि जैसे फिटकरी लेनी है, आधा चम्मच आप फिटकरी ले लीजिए, उसका घोल बना लीजिए, लगभग 2 चम्मच पानी के साथ उसका घोल बनाइए और उसको वो पानी वो कपड़ा उसमें डिप करके उस पानी में अच्छे से भिगो के उसको आप अपने योनि में रखिए, थोड़ा अंदर पुश करके, इतना अंदर करना है जिसको आप आसानी से फिर बाहर निकाल सको, ठीक है। तो ये चीज आप अगर वर्किंग है तो दिन में नहीं कर सकती हैं तो रात को करिए, ठीक है, रात को करके आप लेट जाइए और सुबह उसको निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे फिटकरी क्या काम करेगी, आपकी योनि को अंदर से जाके शुद्ध करेगी, ठीक है, अंदर से जाके शुद्ध भी करेगी, उससे वो टाइट भी होती है, मान लीजिए जैसे लूज हो जाती है, लूज में, और फिर जैसे हम इन चीजों का यूज करते हैं ना तो वो अपने सामान्य रूप में आ जाती है, यानी कि उसमें टाइटनेस भी आती है। तो ये चीज आप लगातार 4 दिन करिए, 4 दिन अगर फिटकड़ी के पानी का ऐसे आप रखोगे अपने गर्भाशय के अंदर, तो यकीन मानिए आपके अंदर जितना भी इन्फेक्शन हो रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये एक क्या होता है, इसको हम पोषण दे रहे हैं, ये करके हम क्या कर रहे हैं, अपने गर्भाशय को हम पोषण दे रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, 4 दिन फिटकरी का करने के बाद 4 दिन आपने अरंड के तेल का, कैस्टर ऑयल का फोआ ऐसे ही रखना है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम मलमल का कपड़ा बाजार से लेके आते हैं उसको एक बार धो लीजिए और उसके बाद उसके टुकड़े काट के रख लीजिए, और एक बार में एक ही टुकड़ा यूज करना है, ये नहीं है कि उसको धोने के बाद आपने उसको दोबारा से यूज करना है, इसको दोबारा से यूज नहीं करना है, उसको उसके बाद फिर आपने बाहर फेंक देना है, ठीक है। तो 4 दिन ये करते हो और 4 दिन वो करते, तो ये 8 दिन हो गए और 5 दिन आपका जो पीरियड टाइम का वो निकल गए, यानी कि ये अगर ऐसे करते हो तो सच में ये बहुत अच्छा आपकी गर्भाशय का ये पोषण करेगा और इससे जो छोटी मोटी बीमारियां थी आपकी वो दूर हो जाएंगी और आगे नहीं होंगी, ये एक तरह के ये आगे नहीं होंगी अब, क्योंकि ये हमें नॉलेज कहीं से नहीं मिली इसलिए हम इन चीजों की तरफ नहीं जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आज तक किसी भी महिला ने इस प्रकार की चीज नहीं की है, ना ही तो उसकी मम्मी ने सिखाई है, ना ही उसकी दादी नानी ने उसको सिखाई है, लेकिन पहले के जमाने में हम यही चीजें करते थे जिससे हम सुरक्षित रहते थे जब ये चीजें नहीं थी। और क्या करते हैं, मान लीजिए उसके बाद भी आपने हर रोज जैसे नहाते हैं तो नहाते समय भी अपनी योनि की सफाई करते हैं, जैसे करते हैं ना पानी डालते हैं कानों में, कानों की सफाई करते हैं, अपने मुंह को अच्छे से साफ करते हैं, अपनी आंखों को भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसी तरह अपनी योनि की भी सफाई हमें वहां से करनी होती है। देखो ये चीजें जरूरी हैं, यहाँ पे खुल के इसलिए बोला बोल रहे हैं क्योंकि आप सब महिलाएं हैं, अगर आप सब सीख रहे हैं तो ये मैं मानती हूँ कि आप खुद सीख के कम से कम 10 महिलाओं को तो करना ही कर, मतलब 10 महिलाओं को तो आप जागरूक कर ही पाओगे। आप
किसको बताओगे? आप अपनी बेटियों को बताओगे, आप अपनी फ्रेंड सर्कल में इसका जिक्र करोगे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर बताओगे, मुझे पता है। आप अपने भाभी को आप अपने बताओगे, अपनी बहनों को बताओगे, तो कितनी सारी महिलाओं को आप ये चीजें सिखा सकते हो। तो इसीलिए आपको ये चीजें यहाँ पे सिखा रहे हैं एक उम्मीद के साथ। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप पहले खुद सीखिए, खुद इसका अनुभव लीजिए, फिर आप अपने समाज में इस तरह की बातों को उनके सामने रखिए, ताकि जो आने वाली जो समस्याएं हैं उनको हम पहले से ही उनके लिए तैयार रहे और अपने आप को उन समस्याओं से बचा सके। तो इसमें जैसे ये तो हो गया, ठीक है, यूज करने का। तो फिटकरी किसी ने बोला था, तो फिटकरी का पाउडर लेना है आधा चम्मच, ठीक है, उसको 2-2.5 चम्मच पानी के लेके एक अच्छा सा घोल बना लेना है, और 3 इंच चौड़ा और लगभग 15 से 20 इंच लंबा कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा, उसमें लेना है। तो वो चीजें उतना ही पानी बनाइए जितना यूज करना है, ज्यादा पानी बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसको आप इस तरह से मतलब यूज करिए, अगले दिन फिर नया बनाइए, फिर उसको मान लीजिए रात को यूज करिए। और दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार होती है ना, वर्किंग होती है, महिलाएं बाहर जाती हैं, तो रात को भी करें तो भी मतलब अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे कोई गलत होगा। तो एक इसमें आप शामिल कर दिए कि आप पत्ते लीजिए, पीपल के पत्ते, ठीक है, पीपल के पत्ते आप कम से कम 5-7 पत्ते पीपल के लीजिए, उनको 1 गिलास पानी में पकाइए, उबाल लीजिए और उसका पानी आप पीजिए। ये भी आपके गर्भाशय की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप लगातार 8 दिन इसको कर सकते हैं, 8 दिन इसको कर सकते हैं, इससे आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और आपके जो शरीर है वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, और जल्दी से मान लीजिए बीमारी आपको नहीं होगी। तो इसमें आप हर प्रकार के पत्ते ले सकते हैं, जैसे मीठे नीम के पत्ते ले सकते हैं, उनको भी ऐसे ही आपने कम से कम 10 पत्ते ले लीजिए, क्योंकि मीठे नीम के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको 1 गिलास पानी में उबालिए और उसके बाद उनको पीजिए। फ्री का इलाज है ये, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। पीपल के पत्तों का पानी आप पी सकते हैं, इसमें आप मीठे नीम के पत्तों का पानी पी सकते हैं, इसमें आप तुलसी के पत्तों का पानी पी सकते हैं, और इसमें अमरूद के पत्ते आ सकते हैं, जामुन के पत्ते आ सकते हैं, यानी कि जो भी पत्ते, इसमें शीशम के पत्ते भी आ सकते हैं, जो भी पत्ते आपके आसपास उपलब्ध हो तो उसका उसको लीजिए और उसका पानी लगातार कम से कम 8 दिन लगातार पीजिए, उबाल लीजिए, उबाल के रख लीजिए और उसको पी लीजिए, मतलब जब गुनगुना रह जाए तब पी लीजिए। और ये चीजें जो आज बता रही हूँ ना, इसका आप करके मुझे यही मीटिंग में ही अनुभव आप शेयर कीजिए, जैसा भी आपको अनुभव लगे। मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा लगेगा, मैं 100% की गारंटी देती हूँ, अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर किसी को जैसे भी रिजल्ट मिले तो वो एक बार जरूर शेयर करिएगा, अगर करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो देखो उसमें हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है, हम तो मान लीजिए आपको बता ही रहे हैं, मानना ना मानना और आगे चलना वो सब आपकी जिम्मेवारी होती है। तो ये था आज का योनि प्रलक्षण का। उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा क्रिया और हम कर सकते हैं, जिसमें पूरी विधि होती है, और उसके लिए आपको एक पात्र की भी जरूरत पड़ती है, उसका मैं कल आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके अनीमा, अनीमा पोर्ट से वो लिया जाता है, अनीमा पोर्ट से वो बनाया जाता है, तो वो अनीमा पोर्ट भी आपको दिखाऊंगी, तो वो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो कल सभी बहनें जो आज मीटिंग में है उससे भी ज्यादा संख्या में कल मीटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको बाहर कहीं नहीं मिल रही है सुनने को, ना ही आपको कोई बता रहा है, जो चीजें आप यहाँ मतलब सुन पा रहे हो, आप यहाँ सीख रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें सभी ने करनी है इसको। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई बीमार महिला ही इसको कर सकती है, ये बात यहाँ ध्यान दीजिए,
ये जो चीजें आपको बता रही है ये बीमार महिलाओं तो कर ही लेकिन जो स्वस्थ है वो भी करिए, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि बीमारी कब आएगी, क्योंकि बीमारी एकदम से नहीं आती है। ये नहीं है आपको रसोली बन रही है कोई एक दिन में थोड़ी ना बन रही है, आपको समस्याएं हो रही है कोई एक दिन में थोड़ी ना हो रही है, उनको लंबा टाइम लगता है, 6 6 महीने साल साल लग जाता है, 2 2 साल लग जाते हैं। वो तो कभी दर्द हो गया तो आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, आपको पता लग गया कि आपकी गर्भाशय में रसौली है, और जब पता लगता है कईयों को तो 20 20 mm की हो जाती है ना, पहले तो पता ही नहीं लगता। तो ये चीजें एकदम से नहीं होती है, इनमें टाइम लगता है। तो आप ये अगर ये चीजें करोगे, मान लीजिए आप अपनी योनि की सफाई कर रहे हो, उनका फिर पोषण भी कर रहे हो, अच्छी चीजें यूज कर रहे हो, जो पीरियड के दौरान है खाने पीने का सब ध्यान रख रहे हो, तो अगर बन भी रही होगी तो वो कट जाएगी, और नहीं बन रही होगी तो आगे नहीं बनेगी। तो ये चीजें होती है। तो ये जो है ये स्वस्थ महिला भी कर सकती है, जो आपने आपको स्वस्थ मान रही है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मैं क्यों करूं, नहीं, इसको सभी ने करना है, सभी ने, ठीक है, करके। और यहाँ पे अपना अनुभव जरूर शेयर करना है, ताकि जो बहनें विश्वास नहीं कर रही हैं वो भी विश्वास करें और इन चीजों को आगे समाज में लेके जाएं, फैलाएं इसको कि ऐसे भी होता है, सिर्फ दवाइयों से ही चीजें ठीक नहीं होती। आप अगर सिर्फ ये कुछ सावधानियां बरतते हैं तो उनसे भी समस्याएं ठीक होती है। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो हैंड रेज करके पूछना है, और हाँ किसी के पास अगर फीडबैक है तो वो भी शेयर करना है, अच्छा सा फीडबैक अगर किसी के पास है तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि फीडबैक जो होते हैं हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी जो मान लीजिए काम करने की गति है वो भी बढ़े और हमें अच्छे अच्छे फीडबैक भी मिले, ठीक है। तो किसी को पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन हैंड रेज करके। हाँ जी, मधु जी एक्सक्यूज मी मैम। राधे राधे दीदी। जी राधे राधे। दीदी मेरे पास एक फीडबैक आया है, कल ही आया है। अभी आपने डाला हुआ था कि भी पित्ते की पत्रिका था जिसमें इलायची थी, मुनक्के वगैरह खरबूजे के बीज थे, तो वो मैंने ना अपने नॉन में किसी को टीचर को दिया था, गवर्नमेंट टीचर है, तो उनकी थी 19 mm की पत्री थी, तो उनको अच्छा मैंने बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा करके दिया कि भी आप एक बार ले लो, तो उन्होंने वो ली और उनकी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तो उनकी 15 mm तो होगी, लेकिन उनको हल्का सा दर्द हो रहा था, उनको सांस की दिक्कत आने लग गई थी, तो डॉक्टर ने बोला ये ना हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसमें पित्ते की पथरी और एक और जो सांस की नली उसको बीच में अड़ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका कम तो जरूर हो गया है पर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपको सांस की प्रॉब्लम ज्यादा हो चुकी है, तो उन्होंने ये ठीक है अभी ऑपरेट उन्होंने अब करवाया है, उनको 10 दिन हो चुके हैं, कल ऑपरेट करवाया है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ इससे कुछ दिन लेने से 12 से 13 दिन ली थी तो 4 mm मेरी कटी है उससे, और लेकिन वो ऑपरेशन करवाने के बाद भी कल ही मेरी बात हुई, उनको खुद फोन किया है, तो वो कह रहे हैं कि भी मैं अभी भी इनको रेगुलर यूज करूंगी, दवाइयाँ जरा कम हो जाए तो यूज करती रहूंगी, किसी एक को और बता कह रखा है मैंने आप भी लेके देखो, अभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, देखते हैं उनका भी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई है कि हाँ उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, लेकिन सिर्फ ये होता है कि जैसे डॉक्टर जो है हमें डराते बहुत है, मतलब मैं यहाँ ये की बात कहूंगी, चलो ठीक है वो उनकी मर्जी थी जैसा भी उन्होंने कराया, लेकिन अगर सिर्फ वो उस टाइम अगर एक बार हमसे बात करती तो वो जो समस्या थी उसकी उस टाइम की तो उसका भी कुछ ना कुछ हल हम जरूर बताते। लेकिन चलो जो भी है, इससे हमें ये तो समझ आया कि एटलीस्ट इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसका बोलते हैं ना पित्ते की पथरी जो बिल्कुल किसी भी उससे नहीं निकल सकती, तो उसके लिए अगर इस औषधि का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो धन्यवाद आपका मधु जी ये फीडबैक शेयर करने के लिए, और इस मीटिंग की वजह से या फिर इस ग्रुप में ज्वाइन होने की वजह से आज आप दूसरी महिलाओं को बता पा रही हैं, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कम से कम आप मतलब किसी को जागरूक तो कर रही हैं, तो किसी ना किसी का तो हम भला जरूर करेंगे। हाँ जी जी मीना जी नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार।
पहले तो मैं अपना फीडबैक देना चाहूंगी जी। जो ये आपने फिटकड़ी वाला पानी बताया ना, मलमल के कपड़े वाला, ये मैंने किया था जी आपसे ही पूछ के। हाँ अच्छा जी, मेरी डेट आने से पहले बहुत स्मेल आ रही थी जी, बहुत ज्यादा। अच्छा तो मैंने यही किया जी जो आपने बताया, 2 चम्मच पानी का, 10 चम्मच फिटकड़ी का, और उसमें मलमल का कपड़ा भिगो के वो पूरी रात रखे रहा, और मैं 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई जी। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ अच्छी जी, बात है। क्योंकि ये समस्याओं के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते तो वो पता नहीं हमें क्या क्या मेडिसिन दे देता, लेकिन ये क्या था, बिल्कुल इनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा था और फिटकड़ी ने उसको क्लीन कर दिया, उसको साफ कर दिया। बहुत अच्छा फीडबैक है मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि इस फीडबैक को सुन के यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं को ये तो विश्वास हो गया कि ये काम करती है, ये चीजें काम करता है। करती हैं। हाँ जी जी, ये जो पत्थर पिपल के पत्थर को आप कह रहे थे, मतलब काढ़ा बना के, किस उसमें पीना है जी? ये शरीर में दर्द हो तब पीना? नहीं, इसको जैसे मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी पी सकते हैं, इसको गर्भाशय की प्रॉब्लम वाले भी पी सकते हैं, और किसी को कोई समस्या नहीं है ना तब भी पी सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये आप कोई भी ले सकता है, इसमें ये मत मानिए कि किसी रोग में लेना है, ये ले सकते हो। 8 दिन लेके देखिए, 5-6 पत्ते लीजिए। जी सारी पांच छह पत्ते सारी मैम जी, सारी चीजों में काम करता है। ये सारे क्या मिक्स कर नहीं, लेने दीजिए, एक ही पीपल के पत्ते लेने दीजिए। एक बार में एक ही ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 5-6 पत्ते पीपल के ही ले लीजिए, ठीक है, एक बार ठीक ले लीजिए, उसको उबालिए पानी में और ठंडा करके छान के और चाय की तरह पी लीजिए, ठीक है। एक जी, खाली पेट पीना मैम, बार एक बार एक बार, खाली पेट अरे किसी टाइम पी लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब रोटी के साथ तो देखो आपने पीना नहीं है, वो तो खाली पेट ही ज्यादा सुबह पी लीजिए, 10-11 बजे पी लीजिए, 3-4 बजे पी लीजिए, ठीक है। ये चीजें तो मतलब कभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। जी सुमन जी, राम दीदी राम राम जी। जी जी, मैंने ये योनि प्रोक्षण विधि का ये 2 महिलाओं को करवाया था दीदी, तो उनका ही रिव्यू था, उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, मतलब उनकी जयपुर तक की दवाइयां चल रही थी, तो जितना टाइम वो लेते थे उतना टाइम उनको रिलीव आता था, जैसे उन्होंने दवाइयां बंद की वैसे ही दोबारा शुरू हो जाता था। जो मेरी भतीजी थी उसको तो इतनी दिक्कत थी कि उसको सिर्फ 7-8 दिन ही ठीक रहती थी, बाकी टाइम पेन और खुजली और मतलब जैसे कि सूजन सूजन इस तरह रहती थी। तो मैंने उसको ये बताया और अपना पैड दिया, तो उसको बहुत आराम आया, वो काफी ठीक है। एक मेरी खुद की ननंद है, उनको दिया था, उनके भी इन्फेक्शन था और दवाइयां चल रही थी, तो दीदी ने मुझे फोन किया कि भाभी ऐसे ऐसे मतलब तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा खारिश होती है शरीर के अंदर और इतनी होती है कि रोने लग जाती हूँ, इतना बुरा हाल है मेरा। तो मैंने अच्छा दीदी को यही बताया कि आप ऐसे करना, और उसके साथ साथ वो जो बुक दी थी उसमें नीम के पत्तों के बारे में बताया था दीदी, नीम के पत्ते उबाल के उनसे हाँ साफ हाँ करने के बारे में। तो जी, वो उनसे दोनों भी चीज कर मैंने सकते दीदी को, हैं। हाँ जी, वो दोनों चीज दीदी से करवाई, और जो धनिया का बताया था, जो धनिया और मिश्री का पाउडर वो बोला था, तो दीदी ने तो वो नहीं लिया कि मैं नहीं ले पाऊंगी, मतलब किसी किसी का होता है कि वो फाकी वगैरह नहीं ले पाते, तो वो उन्होंने नहीं ली, लेकिन मेरी भतीजी ने ली थी। तो ये छोटी छोटी सारी चीजों का उसका तो बहुत ही अच्छा फीडबैक है, वो तो एकदम स्वस्थ है अब, और दीदी भी ठीक है दीदी। बहुत बढ़िया, सच में। मतलब मुझे ना आप जैसी महिलाएं ही चाहिए, मैं तो ये सामने से बोल रही हूँ कि आप लोग देखो सबको बता रही हैं, और आपके बताने से देखो 2 महिलाएं स्वस्थ हुई और उनका फीडबैक आया, तो कितनी अच्छी बात है कि वो एलोपैथिक दवाई से बच गई और उनको इतना आराम आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। प्रियंका इसमें जी, सबसे प्रियंका बड़ा रानी, धन्यवाद आपका है दीदी, आप इतने अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के लाते हो हमारे लिए, और हम किसी को बता पाते हैं, इस काबिल हम बन गए हैं कि किसी को कुछ बता पाए, अरे बहुत बहुत तो इसमें धन्यवाद प्रियंका, प्रियंका आपका बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी प्रियंका जी,
नमस्कार सभी को। जी मैम, मेरे पास अमृतधारा का और नेत्र रोग नाशक का फीडबैक है मैम। सबसे पहले तो नेत्र रोग नाशक का मैम किसी दूसरे मेंबर का है जिसको दोनों आंखों में दो ना मोती हो चुका था, मतलब उसकी एज लगभग आपके जितनी है मैम, इतने ही बड़े बच्चे हैं तो मतलब जी बहुत कम एज में उसको दो ना मोती और दोनों आंखों में वो सुई में तागा तक नहीं पा पाती थी। मेरे रिलेटिव है बहुत खास, तो अब उसने लगभग 15-20 दिन हो गया यूज करते हुए जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे मंगवाई थी। तो अब ना उसको वो कहती है मेरे को भाई दो शीशे और कट्ठी मंगवा दे बार बार से, भी मेरे को आराम है इससे काफी है। मतलब अच्छा, वो बहुत एक्साइटेड थी जब बता रही थी, उसको साफ मतलब वो कह रही है मेरे को साफ दिखता है, पहले से दूर की चीज जबरी भी नहीं देख पाती भाई, अब दिखता है बहुत फर्क है। तो मतलब उसने दो इकट्ठी मंगवाई है मैम मेरे से, और जो मैंने अपने आस पास दी थी जैसे अपनी सास को भी, मतलब मेरी एक सास की एक आंख का तो ऑपरेशन हो रखा है एक का नहीं है, तो मेरी सास भी बोल रही थी भाई इससे वाकई में फर्क पड़ता है भाई, मेरी भी मतलब थोड़ा फर्क है, जबकि उसको तो थोड़े ही दिन हुए पाते। तो उसने ना मतलब एक शीशी और मम्मी ने मंगवाई, मेरे पास बल्कि में खत्म हो गई थी, मैंने नीना मैडम से मंगवा के दी, मतलब उसने अपनी भाभी को भी दी, उसकी ना आंखें चिप वो पानी खत्म बताया डॉक्टर ने, मतलब सूखापन रखता उसको हर टाइम रड़क रखती है। उसने दो तीन टाइम वो यहाँ मतलब एक रात रही पाई, तो वो कहती भाई फर्क सा तो पड़ता है इससे, वरना तो उसकी आंखें हर टाइम झपकती थी। वो भी लेके गई, अब देखते हैं उसका कैसा रहता है, बाकी जिसको दी उसका बहुत अच्छा है। और मेरा मैम मतलब अमृतधारा का पहले भी लिया था, पहले बहुत अच्छा था, अब लिया तो अब मतलब मेरे को ना वो हो गया था सर्द गर्म में, सर्द गर्म हो गया था तो मेरे को बहुत ज्यादा जुकाम और टाइम नाक बहना, और मेरे हस्बैंड ने बोला भाई इसकी दवाई ना लिए, बहन दे अब तो गर्मी है तो सहन कर सकती है भाई, इसको बहने दे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, चलो वो तो ठीक है, बलगम बन के अंदर चीने लग गया, तो मतलब बलगम काफी बन गई, खांसी होगी। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास अमृतधारा भी खत्म ही हो रही थी अब, क्योंकि वो मेरी वाली भी जो मैं यूज कर रही थी मेरी ननद ले गई थी, तो मैंने पड़ोस में दे रखी थी उससे लेके मतलब दो टाइम यूज की, गर्म पानी में चाय की तरह पिया, तो मेरी बलगम अब निया ठीक है, एक दिन में ही आराम मिल गया। से कल दो बार ली, एक मतलब दोपहर को एक रात को लेके पड़ गई, अब ठीक है, अब मतलब बलगम नहीं बिल्कुल भी, जुकाम है हल्का हल्का सा वो भी ठीक हो जाएगा, और ना मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे को ये लग रहा था काफी दिन में ठीक होएगा, मतलब उसका बहुत बहुत बढ़िया, असरगर इलाज है मैम उसका, तो अमृतधारा का भी बहुत और बढ़िया। नेत्र और का भी। कितनी अच्छी बात है कि प्रियंका जी ने इन छोटी छोटी को कितनी छोटी छोटी चीजों से कितने सारे फीडबैक ले लिए है, और इस इनके अंदर अब कितना हौसला आ गया है। मतलब ये चीजें होती है ना, जब हम किसी को देते हैं और उससे फिर हमें फीडबैक मिलते हैं, तो एक तो अपना हौसला कितना बढ़ता है, और फिर इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि हम किस कहीं जुड़ के और इतनी अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मतलब फीडबैक शेयर किया। गर्भनाशक चूर्ण के जी भी मैम बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मैं मतलब दो जी मेंबर को दे चुकी हूँ खुद से अलग, बट अपना यूज कर रही हो ना, तो मतलब मेरा 1 महीने के अंदर, जबकि मैंने रेगुलर नहीं रखा उसको किसी कारण से, मैं रेगुलर नहीं रख पाई, तब भी मेरा मतलब 2 किलो वजन कम हुआ है 1 महीने में ही। मतलब ये यहाँ से बाजू की फैट भी बहुत मतलब मेरे को बहुत फर्क लगता है, अपनी मतलब इंचीज पे भी फर्क लगता है उस 2 किलो से, अड़क अड़क शरीर मेरे को ऐन महसूस दे रही, हल्का फुल्का तो बिल्कुल महसूस दे रहा, मतलब मेरे हस्बैंड भी देख के बोलते हैं अभी फर्क पड़ा है। तो अब मैं रेगुलर लूंगी तो मतलब फिर तो और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा, पहले पहले मैंने रेगुलर नहीं लिया था, अब जैसे तोल के देखा 2 किलो कम है, तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने अब उसको मतलब 2-3 दिनों मतलब रेगुलर स्टार्ट करके, जैसे एक दिन के बाद एक दिन, 3 बार मैं ऐसे हाँ ले चुकी हूँ रेगुलर। थैंक जी, बहुत बढ़िया, यू और मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक थैंक शेयर यू मैम करने इतनी के अच्छी लिए, रेमेडीज क्योंकि हमें देने के लिए। इन फीडबैक की हमें बहुत जरूरत होती है ना। जब भी हम कोई काम करते हैं, सामने से फीडबैक आता है, तो हौसला बढ़ता है कि और अच्छा काम किया जाए, मतलब और इम्प्रूव किया जाए। तो ये चीजें होती हैं, बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी, आकांक्षा जी जल्दी से बताइए, क्योंकि 10 मिनट ही रह चुके हैं, तो नमस्कार मैम, सभी का लेना है। जी नमस्कार मैम मेरे पास अमृतधारा का मैम खुद का, मेरे हाथ में चोट जी लगी थी मैम, लिगामेंट में चोट थी दो जगह, तो मैंने जी कल ही मालिश की, थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें 2-3 बूंद अमृतधारा की मिला के मालिश की थी और बांध लिया, मेरे को जी 60-70% तक आराम हुआ बहुत एक ही बार बढ़िया, में, बहुत अच्छी बात है। पहली जो इलाज कि थी। घर के डॉक्टर,
है ना, आप अपने खुद जी के डॉक्टर बन रहे हो, घर के डॉक्टर मेरी बन रहे सास हो, की भी बहुत कमर में अच्छा दर्द लगता था, है मेरी जी। सास की भी कमर में दर्द था और एक पड़ोस में के घुटने में दर्द था, वो भी करवा के गई। मेरी सास ने बताया था उसको कि उससे करवा ले आराम हो जाएगा, वो दोबारा आई नहीं कि मेरे को दर्द है मेरे को दोबारा कर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। शिवानी जी, शिवानी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम सबसे पहले तो मेरे पास आई ड्रॉप का ही फीडबैक है मैम। हम जो किसी को दे रहे हैं आई ड्रॉप, तो मैम हमारे मम्मी पापा जो डाल रहे हैं, हम सबके आंखों में एक बार ही डाल रहे हैं, तो मैम एक बार के डालने में ही सभी को आराम लग रहा है। तो मैम अरे सब बोल वाह रही कि हमारे लिए भी लेकर के आओ, हमें भी मंगाओ। और मैम हमारे मम्मी पापा को तो 70 से 80% पूरा पूरा आराम है। और मैम एक फीडबैक आपको हमने लाइव ही दिलाया था उस दिन जी, बहुत बढ़िया, मैम, सच में उन्होंने आपने उन्होंने लाइव करवाया 2 आईड्रॉप की डिमांड डाली है। था, बहुत बढ़िया, मैम हमारे बहुत रिलेशन में मैम 2 जनों के तो गुर्दे में पथरी है, और मैम एक को है वो रसोली की, तो मैम उसका कुछ बता दीजिए हमें। ठीक है, आपको एक दिन यहीं पे बताएंगे आपको, और गुर्दों की पथरी का भी आपको भेज दूंगी मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्योंकि अभी जो बताने लगी तो फिर पूरी मीटिंग इसी में ही निकल जाएगी और ये पूरा भी नहीं होगा, तो ऐसी मीटिंग अटेंड करते रहिए, तो इसमें सभी को ही बता दूंगी मतलब इलाज, ठीक है, ताकि आप किसकी थैली सबको का भी बता बताइए सको। मैडम जी। जी जी मैम ये जी अमृतधारा जो है, ये मैम घुटनों के दर्द और कमर के दर्द में भी लग जाएगा आराम। देखो, ये तो ऑल इन वन होती है, अमृत धारा तो ऑल इन वन होती है, इसको आप पानी में डाल के चाय की तरह पी सकते हो, तो ये आप अंदर की बीमारियों को ठीक करती है, और अगर दर्द की समस्या है तो इसको तेल में डाल के आप मालिश कर लीजिए तो बाहर की समस्याओं को ठीक करती है, तो अमृत धारा तो ऑल इन वन का काम करती है, ठीक है मैम हमारी मम्मी को लीवर पेन है, तो जी। मैम घुटनों में भी है, और मैम पीछे कमर में जो बोलते हैं वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था ना मैम, तो उनके मैम बहुत दिन से है, वो नोड़ के काम नहीं कर पाती है, अगर नोड जाती है तो मैम खड़ी नहीं हो ठीक पाती। है शिवानी जी, आपको इसका भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा समय बचा इसलिए आगे नहीं ले रहे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वहां पे आपको मैं बता दूंगी। सुमित्रा देवी, फटाफट से बताइए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मेरा कल मेरे भतीजी का फोन आया था, उनको मैंने पेट किया था, तो उनके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती थी, हर महीने दो इंजेक्शन लगवाती थी, तो अभी उसने मतलब कि पीरियड के समय ही यूज किया था पेड है, तो अब की बार उसको पीरियड है तो ना तो उसको पेन हुआ है और ब्लीडिंग भी बहुत कम आई उसको, तो वो कम लगभग 10 दिन रहती थी, अभी वो 5 ही दिन रही है, तो उसका बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, रिजल्ट है, अभी वो कल ज्वाइनिंग अरे वाह बहुत बढ़िया सच में। ऐसे करेगी। पहले पहले फीडबैक लीजिए और फिर ज्वाइन करके दूसरी महिलाओं तक अपनी बात को पहुंचाइए, तो उसमें बहुत मजा आता है। और जी उसके भाभी ने ना, उसके भाई की शादी में, तो उसके भाभी ने वो फेसियल वगैरह करवाया था, तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब कि चमड़ी अच्छा सी उतरने लग गई थी स्किन पे, तो उसने जी वो जल, गुलाब जल मिला के और अपना जल वाला यूज किया था, और 5-10 दिन में उसकी स्किन साफ हो गई। बहुत बढ़िया। ये होते देखो केमिकल अगर हम बाहर से करवा रहे हैं, एक तो अपनी त्वचा को खराब करवा रहे हैं, ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं उनको खराब करने के लिए, है ना, और फिर अपनी ही चीजों से हमें आराम आ रहा है, तो बहुत अच्छा फीडबैक है सुमित्रा जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक शेयर करने के लिए। रत्ना जी जी मैम ये आई ड्रॉप का फीडबैक है, मैंने एक महिला को दिया था कि आँख में बहुत लालिमा थी, और दवा भी लेके आई थी, आराम नहीं था, तो मैंने ये डाला उसको तो उसका तुरंत ये हो गया, तो उसका देख के बहुत महिला ने आई ड्रॉप ले लिया मुझसे, बहुत महिला, उसने जो डॉक्टर की दवा लेके आई थी वो भी नहीं डाली, और 27 तारीख से खुद मैं भी डाल रही हूँ, मैं पहले चश्मा निकाल के कुछ भी नहीं देख पाती थी, लेकिन अभी ऐसा वक्त भी आता है कि चश्मा नहीं रहे तो भी मेरा काम चल जाता है, 27 तारीख से डाल रही हूँ। बहुत और मुझे और ये पूछना था मैम कि हमारे ये प्रॉब्लम बहुत है महिलाओं को, वो बोलते हैं आंख में वेल आ गई, तो
बोलते हैं ना आंख के ऊपर कुछ आता है, ऐसा वेल जैसा आता है, तो उसके लिए किसी का रिजल्ट है कि वो आंख के देखो वेल के ऊपर इसका रिजल्ट है नेत्रबिंदु का? बेल आती है या तो मोतियाबिंदी आता है, जैसे काला मोतियाबिंद हो गया, वाइट सफेद मोतियाबिंद हो गया, उससे अलग भी कुछ आता है। ऐसा वो बोलते एज नहीं उनका ले, ज्यादा एज नहीं उन महिलाओं का, यंग एज में उन, वो बोलते वेल आई लेक ऊपर ऐसी स्किन, उसके ऊपर एक लेयर ही आती है आग के ऊपर चलती जाती है, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोला है, तो उसमें उनको डाल सकते हैं या किसी का फीडबैक आप डालिए उनका, क्योंकि क्या होता है ये अंदर की सफाई करती है, वो मेरे हिसाब से झिल्ली टाइप होती है, जैसे झिल्ली सी आ है? जाती है उसके टाइप ही होती है, तो ये सफाई करेगी उसकी, तो आप जी डलवाइए। ठीक है नीतू थैंक जी, नीतू जी, यू। हाँ दीदी, राधे राधे। राधे राधे। मैं बोल रही थी कि जिनके पीरियड्स आते हैं वो 5th डे के बाद, आपने वो अरंडी का तेल या फिर फिटकरी बोला ना, जैसे मेरा एज 48 है, मेरा ब्लीडिंग अब 1.5 महीने या 2 महीने से आता है, वो भी ना के बराबर, जस्ट स्टेन लगता है, उस केस में क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन और ये मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहे, तो उसके लिए ये लाइक ब्लीडिंग जो है थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं हो सकता क्या दीदी? देखो इम्प्रूव करने के लिए, जैसे जो पीरियड टाइम आता है, पीरियड टाइम से पहले से ही आप जैसे पानी में घी डाल के पी सकते हो, अजवाइन का पानी पी सकते हो, और अपने यूट्रस की मसाज कर सकते हो अरंड के तेल से, वहां पे गरम सिकाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें मान लीजिए पीरियड से पहले करनी है, आठ आठ दिन से पहले, मतलब 8 दिन पहले शुरू कर दो। और ये भी कर सकते हो आप, जैसे यूट्रस में आप ये कपड़ा रखना, इससे क्या होगा, इससे जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो दूर हो जाएगा, तो ये तो कर लेना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि ये मतलब कोई टाइम होगा तभी करेंगे हम, इसको तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक एक्चुअली मेरे पीरियड्स टाइम कोई फिक्स ही नहीं दीदी, 1.5 महीना 2 महीना ऐसा हो रहा है, कोई फिक्स ही नहीं है, तो टाइमिंग का पता नहीं चलता है। दूसरी बात है कि जो भी हो रहा है, लाइक आप 5th डे में बोल रहे हो ना, मेरे अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो मैं फिर भी 5th डे के बाद ही वो फिटकरी से साफ साफ कर सकती हूँ क्या? हाँ कर सकते हो आप, दवाई दे सकते, कर सकते। ठीक है जी। दुर्गा जी, दुर्गा जी, नीना जी आप बोलिए, दुर्गा जी है नहीं शायद, इतिका गोयल हेलो। हाँ मैम, जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार बोलिए नमस्कार मैम, मैम। मैं अमृत धारा का फीडबैक बता रही थी। जी मैंने एक दिन अपने बेटे को यूज कराया था, उसको पेट में एसिडिटी हो रही थी बहुत ज्यादा, अच्छा तो 2 बार दिया मैंने उसको, जैसे 1 कप हल्का